हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सूट कट करना बताया था। आज मैं ये रेडीमेड निक, इसको हम पेच वर्क भी बोलते हैं, ये स्टिच करना बताऊंगी। हम पेच वर्क से अपने सिंपल सूट को हैवी लुक दे सकते हैं। तो सूट किस तरीके से ये मैंने कट किया था, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स, हम रेडीमेड निक को दो तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो तरीका ये होता है कि इसको निक को बुकरम पर, जो पेस्टिंग वाली बुकरम होती है उस पर इस तरीके से रख के और कट कर लें, उसके चारों तरफ निशान लगा के, और एक एक इंच चौड़ी बुकरम लेके इसे कट कर लें बुकरम के साथ और फैब्रिक के साथ फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम अपना स्टिच किए हुए गले पे इस तरीके से रख के और सीधी स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरीके से सीधा स्टिच कर लेंगे जब हम अपना निक फिनिश कर लेंगे उसके बाद। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी तरीका है। देखिए, हम इस तरीके से इसी पेच वर्क के मैचिंग का या सलवार के मैचिंग का फैब्रिक लेंगे और उसे इस तरीके से कोने से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसमें से डेढ़ डेढ़ इंच की और एक पट्टी कट करेंगे इस तरीके से। देखिए, ये हमने दो स्ट्रिप कट कर लिए इस तरीके से। ये अरेबिक, देखिए अरेबिक ऐसे इस तरीके से स्ट्रिचेबल होती है। अब हम जो ये तिरछापन है, ये दोनों पट्टियों में तिरछा आएगा, तो इस तिरछे को इधर रखेंगे और दूसरी रखेंगे और इसे सीधा स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से सीधी हो जाएगी और हम हमारा निक लेंगे, ये हमारा निक लेंगे और निक के ऊपर की साइड उतना ही फिनिश करेंगे जितना हमें चाहिए। ये ऊपर इसमें स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। मैं भी करके बताती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अरेबिक पट्टी इधर से जोन से स्टिच करने के बाद इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है निक पर उल्टा, ये सीधा और इसको उल्टा रखकर इस तरीके से स्टिच कर दिया। अब स्टिच करने के बाद हम हमारा निक का सेंटर लेंगे इस तरीके से शोल्डर मिला के। अब हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, इसे कट इस तरीके से कट करने के बाद अब हम हमारे सूट का उल्टा पार्ट लेंगे। ये उल्टा पार्ट रखेंगे इस तरीके से, मैंने कट दिया है इस कट पर, इस निक को उल्टा रखेंगे यूँ। हम इस पेच वर्क को ऊपर से हाफ इंच छोड़ के नीचे सेट करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे तो वो स्टिच हो जाएगा और ये हमारा नीचे इसमें बीच में सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। देखिए, और अब मैं इसे पिनअप कर लेती हूँ इस तरीके से, पिनों से पिनअप कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से पिनअप कर लेंगे। अगर आपके पास पिन ना हो तो कच्चा टक भी दे सकते हैं। इसे टक पिनअप करने के बाद हम इसका जो हमारा सेंटर पॉइंट है इससे इनकी दूरियां नापेंगे इस तरीके से। इस सेंटर पॉइंट पर इस तरीके से रख के बराबर दूरियां आनी चाहिए। अब मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं आपको अभी इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके से इसे रख लिया। पिनअप करने से ये फ़ायदा होता है, अब हमारा निक इधर से उधर नहीं जाएगा। देखिए, ये एक फुट की दूरी रखेंगे हम, जो हमारा ये रेडीमेड निक है इससे एक फुट की दूरी रखेंगे इस तरीके से। देखिए, और हमारा जो हमारा डिस्टेंस होगा ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा इस तरीके से। इस तरीके से देखिए, हमने स्टिच कर लिया। अब हम इस पर एक और स्टिच देंगे जो कि हमारे बिल्कुल पास पास होगी। ये हमारी जो मशीन होती है उसमें देखिए दो फुट होते हैं इस तरीके से, एक मोटा होता है, हमने ये मोटे की साइड से दी। अब हम पतले फुट की साइड से स्टिच करेंगे अपने निक को, ताकि वो किनारे किनारे और पास नज़दीक से आ जाए। उसके लिए हम इस साइड से शुरू करेंगे अपनी स्टिचिंग। ये देखिए, पहले हमने इस साइड से शुरू की थी, इस फुट की तरफ से, अब इस फुट की तरफ से, इससे आपके निक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, रेडीमेड निक के ऊपर रख के चला रहे हैं बिल्कुल पास पास से। ये देखिए, बिल्कुल पास पास से स्टिच करते जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अंदर का एक्स्ट्रा का फैब्रिक हटा दिया है, कट कर लिया। अब हम इसमें इस तरीके से नोचिंग दे देंगे सब सारे इसमें फैब्रिक में, निक पर इस तरीके से। ये ध्यान रखेंगे हमारी जो हमने सिलाई दी थी, स्टिच किया था, उस जगह से वो धागा कट ना हो। और इस तरीके से सारी तरफ नोचिंग कर देंगे और नोचिंग करने के बाद इसे यूँ पलट देंगे, तो हमारा विद पाइपिंग ये निक एकदम फिनिशिंग के साथ आ जाएगा इस तरीके से। देखिए, हमने निक पलट दिया है और ये पलटने के बाद, और ये देखिए, ये हमारी गोल्डन कलर की पाइपिंग ये ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है। अब हम इधर से एक स्टिच इसके पाइपिंग के पास पास से कर लेंगे और उसके बाद हम ये बाहर की तरफ से इसे स्टिच कर देंगे।
सारी जगह से, हमने इसे सब जगह से जगह जगह से पिनअप कर लिया था, किनारे किनारे बीच में से एक दो, ताकि हमारा पेज इधर उधर हिल लेना। और तरीके से देखिए हम निक को स्टिच करते हुए चले जाएंगे, जो हमारे बॉर्डर है हमने से टीप हमारे सूट में घुमाव आएगा, हम उस जगह से इस तरीके से घुमा लेंगे सावधानी से, कि हमारे इसमें झोल ना आए। और इसे मशीन को रोक के हल्के हल्के हाथों से इसे डिजाइन के अकॉर्डिंग घुमाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए ये ध्यान रखें आपके फैब्रिक में झोल ना आए, टीपिन लगाने के बाद भी आप पिनअप कर लेंगे उसके बाद भी झोल आ सकता है, तो इसलिए इसे सावधानी से इसे, वैसे तो पेच वर्क अच्छी तरीके से आसानी से लग जाता है, जो आपका ये वर्क होता है पेच का ये उस पर डिपेंड करता है किस तरीके का है। अगर आप पहली बार लगाएं तो उसे हल्के 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 वर्क वाला लेके आएँ, जिससे स्टोन वगैरह कम हो, जिससे आपको लगाने में तकलीफ़ ना आए। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है, स्टिच होने के बाद ही कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कितना हैवी लुक दिखाई दे रहा है इसका। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।